बज गई रणभेरी, सज गई चुनावी मैदान। जी हाँ, हमारे साथ देखिए किसके तरकश में है कितने वाण, सिर्फ और सिर्फ BBCN न्यूज चैनल पर। गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के अंतर्गत वजीरगंज रेलवे स्टेशन के पास ग्राउंड पर एक आयोजित सभा का संबोधन करने के लिए पप्पू यादव का आगमन हुआ। संबोधन के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि आपने जिसे चुनकर सांसद और विधानसभा भेजा है उनसे पूछिए कि देश में 14 करोड़ शिक्षित युवा बेरोजगार क्यों हैं, 15 लाख सभी के खाते में क्यों नहीं आए, पूछिए बलात्कारियों को अभी तक कानून का डर क्यों नहीं, 1,44,000 युवाओं ने आत्महत्या क्यों की, उनसे पूछिए कि कोरोना में जो प्रवासी अपने घर पर पैदल आए थे वह वापस क्यों जा रहे हैं, कब तक ठगोगे गरीब को, कब तक होगी जुमलेबाजी। ज्ञात हो के जाप नेता सह पूर्व सांसद पप्पू यादव वजीरगंज विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के MLA प्रत्याशी राजू कुमार कन्हैया के पक्ष में रविवार की दोपहर वजीरगंज स्टेशन के बगल में फील्ड पर आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी समर्थित सरकार जब बिहार में होगी तो शराब, गिट्टी, बालू, चाहे कोई भी माफिया हो, 3 महीने के अंदर जेल में ही होंगे या बिहार छोड़ देंगे। सभी संविदा कर्मी को अस्थायी नौकरियां दी जाएंगी। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एक समान शिक्षा प्रणाली होगी, उसमें सभी वर्ग और समाज के बच्चे समान शिक्षा पाएंगे। उन्होंने कहा कि आप जब तक धर्म और जात पात से ऊपर उठकर मतदान नहीं करेंगे तब तक बिहार बेकारी, असुरक्षा जैसे दलदल से नहीं निकल पाएगा। अगर हमारे पार्टी के प्रत्याशी जीतने के 1 साल बाद तक आपके सोच पर खरा नहीं उतरेंगे तो उसे यह पप्पू त्याग पत्र देने पर मजबूर कर देगा। उन्होंने कहा कि शराबी पैसा नहीं रहने पर जैसे घर का सामान बेचते हैं, ठीक वैसे ही आज मोदी सरकार रेलवे सहित अन्य देश की संपत्ति को गिरवी रखने और बेचने का कार्य कर रही है। निजीकरण को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक क्षति किए जा रही है। इसमें इतनी बड़ी फैक्ट्री को आमंत्रित करेंगे जितना में वजीरगंज का हर लड़का अपना व्यापार भी करेगा और रोजगार भी करेगा। इसी बिजली फ्री, बहुत कम टैक्स और सुरक्षा दुनिया का सबसे ज्यादा, जितना अमेरिका का सुरक्षा है उससे ज्यादा फैक्ट्री को सुरक्षा मिली, कोई माफिया झांक भी नहीं सकता। 80% अपराधी माफिया को टिकट दिया है दोनों, और ये माफियाओं से हमारी बेटी सुरक्षित कैसे रहेगी। इसीलिए यदि भरोसा हो आपको पप्पू यादव पर, यदि दिल से भरोसा हो तो दोनों हाथ यदि उठाइएगा तभी हम कन्हैया बाबू को दिल से बोलिए हमारे ना ऊंची जात ना पिछड़ी जात, कोई दलितों पर हिंसा नहीं होगा, कोई पैसा नहीं लेगा, कोई व्यापारियों को गोभी से नहीं धमका सकता। मैं वचन देता हूं आपको, और यदि कैमरा में दिख गया तो उसी दिन उसका हम वोटर लिस्ट से पूरे परिवार का नाम काट देंगे, पूरा परिवार। कोई पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, कोई एक भी पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ेगा। और इतना ही नहीं, बिजली पानी आधार कार्ड, राशन कार्ड सब छीन लेंगे। इस गरीब के जिंदगी में कोई भी पप्पू यादव का भाई हो या बेटा दखल देगा तो उसको मौत से बदतर जिंदगी बना देंगे। हम गोली नहीं चलाएंगे लेकिन जीने का अधिकार छीन लेंगे, और वो मेरा अधिकार है। 30 साल आपने इन लोगों को देखा, 30 साल आपकी जिंदगी में, फिर ये बड़का बड़का भट्टाक में, जब कोरोना आया तो लालू जी का परिवार को पता नहीं चला, बाढ़ आया तो खाना कौन खिलाएगा नीतीश को पता नहीं चला, तब इन लोगों के जेब में पैसा नहीं था, जब चुनाव आया तो इन लोगों के जेब में पैसा आया। जब आप मुसीबत में थे, जब आपको खाना नहीं मिल रहा था तब कोई नहीं मिला, तब एक भी MLA MP नहीं आया, तब सिर्फ आपका बेटा और आपका सेवक पप्पू था। और आज अखबार में बड़का बड़का एक एक डेढ़ डेढ़ करोड़ का एडवर्टाइज, टीवी में बड़का बड़का होगी, आज
माफिया ठेकेदार से पैसा लिया, माफिया ठेकेदार से पैसा लिया और वो पैसा पे एडवर्टाइजमेंट अब आपको दिखा रहा है। इसीलिए आप सब जानते हैं ये जो डेढ़ दो करोड़ का एडवर्टाइजमेंट है ना, हम आ गए तो सबसे पहले पूछेंगे कि ये पैसा आया। रियल में गले से देवी बहुत बहुत बेटी है। मैं सुनाएगी आज दुर्गा मैया है, हम चाहेंगे दुर्गा मैया हम लोग का दुख हर ले। दर्जी का छाप कैंची छाप, डॉक्टर का छाप कैंची छाप, नारी का छाप कैंची छाप, हर माँ के हाथ का छाप कैंची छाप। मैं सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ और आप सबसे विदा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा, तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।